अस्सलाम वालेकुम। कुकीज़ किसे नहीं पसंद, और स्पेशली जब ये ग्रेप्स के बंच की फॉर्म में हों तो बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। तो चलिए आज मैं आपके साथ ग्रेप के बंच की कार्विंग शेयर करूंगी कुकीज़ की डो के साथ, और उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूंगी। 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट लिया है, 2 कप वाइट फ्लावर लिया है और 1 कप पाउडर्ड शुगर। इसमें मैंने 1 कप होममेड कोल्ड बटर शामिल किया है, आप मार्केट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अनसॉल्टेड बटर 1 कप। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे और इसमें बटर शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ओवर मिक्सिंग बिल्कुल नहीं करनी, जस्ट ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में इसे लेके आना है। आप देख रहे हैं ये हमने इस तरह मिक्स किया है, और इसको जब हम इस तरह प्रेस करते हैं तो ये एक बॉल की फॉर्म में आ जाता है। अब इसमें 2 एग योक्स शामिल करूंगी मैं, और 2 टेबलस्पून एप्पल साइडर विनेगर। इसमें 1/2 टीस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट शामिल किया है पाउडर फॉर्म में, आप लिक्विड फॉर्म में भी शामिल कर सकते हैं। 1/2 कप मिल्क पाउडर शामिल किया है और 1/4 टीस्पून सॉल्ट। अब हम इसको अच्छी तरह से इस तरह प्रेस करके फोल्ड करके एक बॉल की फॉर्म में ले आएंगे। पेस्ट्री शीट पे एक बटर पेपर डाला है मैंने, रखा है, और उसके ऊपर इस मिक्सचर को रख के एक और बटर पेपर रख के अच्छी तरह से रोलिंग पिन से प्रेस कर लेंगे और एक शीट की फॉर्म में ले आएंगे। अब हम इसको हाफ करके एक मरतबा फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद बटर पेपर के साथ फिर से हम इसको प्रेस करेंगे और इसको स्प्रेड कर लेंगे इस तरह, और फिर से हम इसको कट करके एक मरतबा फिर से फोल्ड करेंगे, फिर से कट करेंगे और फोल्ड करेंगे। अब हम इसको एक शीट की फॉर्म में ले आएंगे, तो हमारे पास कुकीज़ की डो की शीट रेडी है। इसको बटर पेपर से इस तरह कवर कर लें, इसके बाद प्लास्टिक शीट से रैप कर लें और इसको फ्रीज कर लें। 1 मंथ के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और जब यूज़ करना हो तो उससे 30 मिनट्स अगो इसको फ्रीज़र से निकाल के रूम टेम्परेचर पे ले आएं। अब मैं आपके साथ ग्रेप्स के बंच की कार्विंग शेयर करूंगी। इस शीट के मैंने 4 पार्ट्स कर लिए हैं। 1 पार्ट के मैंने पाइनएप्पल्स बनाए थे, पाइनएप्पल कुकीज़ बनाई थी, और आज मैं दूसरे पार्ट के साथ ग्रेप्स की कार्विंग शेयर करूंगी। तो चलें शुरू करते हैं ग्रेप्स की कार्विंग। बटर पेपर के ऊपर कुकीज़ की डो को रख लिया है, रोलिंग पिन से इस तरह प्रेस करके एक शीट की फॉर्म में ले आएं। एक्स्ट्रा पार्ट्स अलग कर दें, वो हम बाद में यूज़ करेंगे। अब हम ग्रेप्स के लीफ की कार्विंग करेंगे। आप देख रहे हैं कि मैंने इस तरह सबसे पहले लीफ को शेप दे दी है। एक स्केल की मदद से आप इस तरह सिमेट्रिकल लाइंस बना लें ताकि लीफ दोनों साइड से एक जैसा बने। अब इसके एजेस जो हैं वो रिमूव कर दें। अगर आप कुकी कटर इस्तेमाल करें और आपके पास लीफ की फॉर्म की कुकी कटर हो तो आप उससे भी ये शेप दे सकते हैं। साइड्स को रिमूव करते हैं, लीफ हमारे पास आ गया है। इसके एजेस आपको थोड़े से रफ लग रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर एग वॉश लगाएंगे तो ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएंगे।
एग वॉश लगाने के बाद हम इसके ऊपर कार्विंग करेंगे। इस तरह एक लाइन लगाएं, फिर साइड्स पे टू लाइंस ड्रॉ कर लें। हर मरतबा लाइन ड्रॉ करने के बाद आप अपनी नाइफ को अच्छी तरह से साफ कर लें, क्लीन कर लें, ताकि कार्विंग नीट एंड क्लीन हो। कार्विंग करने के बाद आप इस लीफ को फ्रीजर में रख दें। लीफ हमारा रेडी हो चुका है, इसे हमने फ्रीजर में रख दिया है। उतनी देर में हम क्रेप्स की बॉल्स प्रिपेयर कर लेते हैं। जो बाकी हिस्सा बचा हुआ है उसको इस तरह कट कर लें छोटे छोटे पीसेस में। इस तरह आसानी हो जाती है और इजीली हम सारी बॉल्स बना लेंगे। एक पार्ट लें, उसको इस तरह दोनों हाथों में प्रेस करें, रोल करें और ग्रेप की फॉर्म में हमारे पास बॉल्स आ जाती हैं। एक एक करके सारी बॉल्स प्रिपेयर कर लें और इसके बाद अब हम इसकी असेंबलिंग करते हैं। जो ब्रांचेस हैं वो भी आप प्रिपेयर कर लें और इस तरह सारे ग्रेप्स हमारे पास रेडी हो जाते हैं। 150 डिग्रीज पे मैंने इस बंच को बेक किया है तकरीबन 10 मिनट्स के लिए। अवन पे डिपेंड करता है। आप देख रहे हैं ये कितने अच्छे लग रहे हैं ग्रेप की फॉर्म में, फ्रूट्स की फॉर्म में। ये कुकीज़ बहुत अच्छी लगती हैं, अट्रैक्टिव लगती हैं और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई करें।